सर आज जो जी, जो जोधपुर में और राजगढ़ में एक छोटी बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, तो सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो घर की बहन बेटियां सुरक्षित रह सके, जैसे राक्षस जो समाज में घूम रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो सके, तो बहन बेटियां सुरक्षित रहे, राज्य में सुरक्षित रहे। 3 से 4 साल की बच्ची का रेप हो गया है, तो ये क्या मतलब इस शासन में चल रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई हो और लगाम लग सके, जो बहन बेटियां देश की प्रदेश की सुरक्षित रह सके। और जिस बाहर से अभी राजगढ़ में भी घटना हुई है, जोधपुर में घटनाएं हो रही है, जगह जगह घटनाएं हो रही है, प्रशासन इस पे सख्त कार्रवाई करेगा, न्यायालय भी इस पे सख्त एक्शन लेगा, जल्दी से जल्दी कार्रवाई के आदेश देगा। तो जो ये हादसे हो रहे हैं, इनके जो ऐसे राक्षस हैं उनके ऊपर डर की वो सहमेंगे, और ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं बहन बेटियों के साथ में, इस पे लगाम लग सकेगा, तो प्रशासन को और न्यायालय को दोनों को सख्त होना पड़ेगा, सरकार को भी सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, जिससे एक समाज में मैसेज जाए, जो ये गंदगियां हैं समाज की इनके ऊपर कार्रवाई हो सके और डर रहे प्रशासन का। मोहित यादव और भी हमारे साथ कई छात्र नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर धरना प्रदर्शन हमने किया, पुतला दहन किया, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो रणनीति ये रहेगी, अगर जो ये पर्ची सरकार है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कामयाब नहीं होती है, हमारी बहनों के साथ जो दिन प्रतिदिन जो बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे आपको पता है, लेकिन चलो बेरोजगारी सह रहे हम युवा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, आपने देखा होगा पिछले दिनों ये जोधपुर में एक घटना होती है, 1 साल की बच्ची, कितनी 1 साल कितने होते हैं, कहाँ है सरकार, कहाँ है इनका गृह मंत्री, कौन है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से इनके मंत्री गायब हो रहे हैं, मंत्री खुद इस्तीफा दे के छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। पूरा आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे भी जयपुर के क्या हालात थे, पूरी जयपुर के नाले उफन रहे थे, लोग बह रहे थे, मर रहे थे, कोई मतलब ही नहीं, आपदा मंत्री गायब। तो मैं कहना चाहता हूं भजनलाल सरकार से कि यदि आपसे लोन ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, तो आपको जिस पर्ची से आपको मनाया गया, मैं कहता हूं एक पर्ची दिल्ली वापस भेज दो आप नरेंद्र मोदी जी के पास, और कह दो साहब मेरी पार नहीं पड़ती, मैं दरी बिछाने लायक हूं, वो दरी बिछा लूंगा, वही काम के लायक हूं मैं, ये भजनलाल सरकार को कह देने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि या तो आप कोई सख्त कानून पारित करके क्यों नहीं कर सकते, क्या रोका नहीं जा सकता, ये घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, रोकी जा सकती है, ऐसा कानून लाइए। और रही बात फिर आपकी पुलिस, ये सरकार की पुलिस केवल अगर कोई हम जैसे युवा अगर प्रदर्शन करते हैं, किसी बहन बेटी के लिए लड़ने के लिए आगे आते हैं, तो हमको दबाने के लिए पुलिस को लगा देते हैं। इस पुलिस को वहाँ काम करिए ना, आप वहाँ दीजिए ना, इस पुलिस को वो काम दीजिए कि कैसे बलात्कार रुके, कैसे जो दिन प्रतिदिन ये घटनाएं हो रही है इनको लगाम कैसे लगाया जाए, इस काम पे इस पुलिस को लगाइए ना, ना कि ये आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर देते हैं। आपने देखा होगा अभी गेट को, ये विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पे क्या काम पुलिस का, हम जब अगर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस आती है, गेट के ताले लगा देती है, क्या है ये डरी हुई है भजनलाल सरकार। मैं पहले कहना चाहता हूं आपसे, और मैं नरेंद्र मोदी से भी कह देना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज जाए इसके माध्यम से, कि जिस पर्ची से इसको बनाया है ना भजनलाल जी को, जिस पर्ची से बनाया वो पर्ची को वापिस बुला लीजिए, और इनको वो दरी बिछाने देते और दरी बिछाने का काम वापिस दे दीजिए। इनकी बस की बात नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, इनकी बस की बात नहीं है, इन बहन बेटियों को साथ जो दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटना हो रही है, इनको इनको सिर्फ जो पिछली सरकार ने जो काम किए अच्छे काम 5 साल के अंदर, जो गहलोत सरकार ने इस राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा कोरोना में भी पूरा भीलवाड़ा मॉडल पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर के अंदर लागू किया था, उस मॉडल को नष्ट करने का काम जो गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को, ये अभी मैं बता रहा था कि अभी एक बीजेपी के नेता से मिला मैं बड़े से, वो कह रहा था कि हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, जो गहलोत साहब जो काम कर गए कैसे करके उनके कामों को, उनके कामों पर अपनी जो पट्टियां लगा के उस काम को अपने हक में लेने का काम ये लोग कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, इनसे चलने वाली नहीं है ये राजस्थान सरकार, इनसे चलेगी नहीं, इनको वापस इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब से मोदी जी ने ये डिजिटल इंडिया किया है ना, उससे इतनी अवेयरनेस हो गई है, यूपी बिहार या राजस्थान कोई भी स्टेट हो, सबके अंदर ना एक खौफ खत्म हो चुका है, लोगों को ये पता लग गया कि हम कुछ भी करें हमें कोई कुछ नहीं होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब आप एक बात आओ, बसों में लड़कियां सेफ नहीं है, स्कूलों में सेफ नहीं है, 80 साल 3 साल तो छोड़ो, मैंने कुतिया छपकली और गाय गाय की बच्चियों तक जानवर तक के साथ हैवानियत हो रही है, आप ये लगा लो, ऐसे तो गंदे गंदे लोग हैं। और आप इन, और मुझे समझ भी नहीं आता जब आपका हमारा सिस्टम इतना लेट क्यों है। आप ये लगाओ निर्भया केस में 2012 में 2019 या 20 में उसको सजा मिली है, इतने साल लग गए,
क्यों नहीं आप इसको वो करते हो? और ये मोदी है, कांग्रेस है, सब ये ऐसी है, ये चाहते ही नहीं है कि देश सुधरे, ये चाहते हैं लोग इसी में उलझे रहे और इनसे जीडीपी और ये क्या कहते हैं जॉब्स की डिमांड ना करे, बस लोग इस छोटी मोटी समस्या में उलझे रहे, चाहे गवर्नमेंट चाहे मोदी की हो या ये कांग्रेस की है। मोदी का हाथ इसलिए है क्योंकि मोदी ने डिजिटल इंडिया लाया है, वो क्यों नहीं बंद करता नेट पे, साइबर क्राइम क्यों नहीं आते, लोग गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं, क्यों देखते हैं, वहां पे कंट्रोल क्यों नहीं है मोदी का? ये देखिए महिलाओं में जो आक्रोश है वो लगातार जारी है, भजनलाल सरकार के खिलाफ भी राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर पुतला भी दहन किया गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से जो घटनाएं घटित हो रही है उनको लेकर, और ये एनएसयूए का जो प्रदर्शन था वो राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर था, भजनलाल जो मुख्यमंत्री है उनका यहाँ पे पुतला दहन किया गया है, तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिन पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और जिस प्रकार से जोधपुर है, राजगढ़ है, तमाम जगह से जो घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर एनएसयूए का प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन किया, और भजनलाल सरकार का जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका पुतला दहन यहाँ किया गया है, और भी हम कई छात्र नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आगे क्या उनकी रणनीति रहेगी, क्या ऐसी व्यवस्था रहेगी कि और भी सर एनएसयूए के क्या आज जो धरना प्रदर्शन किया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए आगे क्या रहेगा? देखिए आज हमारा ये जो प्रदर्शन था ये सांकेतिक प्रदर्शन था और राजस्थान विश्वविद्यालय की इकाई के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य ये कि या तो मुख्यमंत्री जी आप सुधर जाइए, कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लीजिए, अगर आपने कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय महाविद्यालय में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। और आप देखिए हमने चप्पल की माना पहनाकर मुख्यमंत्री का पुतला देखा, और इसीलिए कहा कि कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा नीचे चले गई है राजस्थान की कि हमें सोचना पड़ रहा है, और यही वजह से महिलाओं के अत्याचार बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जोधपुर की जिस घटना का हम सब लोग जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए जोधपुर की घटना के दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद जोधपुर में मौजूद थे, अगर उस दिन भी अगर ऐसी घटनाएं कारित हो रही तो कहीं ना कहीं ये कानून के लिए चिंताजनक विषय है और सरकार को जल्द से जल्द उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। देखिये ये मैंने पहले भी कहा ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, और आज के बाद अगर कानून व्यवस्था पे जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में और जिला हेडक्वार्टर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे और सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उनको लठ खाने पड़े, चाहे उनको खून बहाना पड़े, लेकिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक लगातार हम सड़कों पर रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, भजनलाल सरकार को एक चेतावनी के रूपिया दे रहे हैं कि जब तक ये चीजें अगर नहीं रुकेगी या नई व्यवस्था बनेगी तो तब तक एनएसयूआई जो है वो मैदान में रहेगी और धरना प्रदर्शन है, ऐसे पुतले दहन है वो और देखने को मिल सकते हैं, और अभी हम कई छात्र जो नेता है उनसे भी हम और कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन जिस हिसाब से जो जोधपुर की घटना है, राजगढ़ की है, तमाम जगह से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको लेकर जो है एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र संगठन के जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो है आंदोलन की राहों पर है, आंदोलन जो है वो कर रहे हैं जगह जगह, प्रदर्शन की चेतावनी अब वो दी जा रही है। कल यूथ कांग्रेस ने भी जो था प्रदर्शन किया था, पीसीसी से मोर्चा निकालना था, बीजेपी का घेराव करने की कोशिश की थी लेकिन उनको रोक दिया गया, और बीजेपी को शाम को जो कोशिश है जो है वो की जा रही है, तमाम जो छात्र संगठन है और भी हमारे साथ उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी छात्र जो ना है नीतू बराला हमारे साथ है, मैम आप खुद एक महिला है और देखिए आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने आज के अंदर आज राजस्थान और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तब से सरकार आई है तब से लेकर दिन प्रतिदिन अपराध और रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आज हमने आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर पुतला फूका है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उनको चेताने का काम किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राजस्थान में आई है तब से हम लोग विधानसभा में मांग करते हैं कि या तो छात्र संघ चुनाव कराइए और महिलाओं के लिए ऐसा कड़ा कानून या ऐसा एक पॉलिसी या ऐसी एक रूल आप लेके आए तब ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। क्या आप एक दंड निर्धारित नहीं कर सकते? आप इस देश को प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, राजस्थान स्टेट को उनकी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी चला रहे हैं, वो दौरे तो बहुत लंबे लंबे कर रहे हैं, कभी जोधपुर जा रहे हैं कभी बाड़मेर जा रहे हैं, तो उन मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। कैसे 3 से 4 साल की बच्ची के साथ जोधपुर में घटना घटी है, केकड़ी में एक महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, वो महिला खत्म हो गई है, तो इनको ये कहना चाहते हैं कि बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और आप अपराध में
कब आपकी सरकारें लिप्त हैं, आपके नेता लिप्त हैं और आपकी एमपी जो अभी आई हैं लोकसभा में चुन के हमारी उम्र की नेता हैं वो समझती हैं अपने आप को, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, कहती हैं कि 2014 में आज़ाद हुआ था देश जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आई है, कहती हैं कि किसान प्रदर्शन में तो महिलाएं 500-500 रुपये में आ गई, वहाँ महिलाओं के साथ रेप हो रहा था। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, आपकी मानसिकता तो इसी वचन से हो जाती है निर्धारित कि आप बोलती हैं महिलाएं 500-500 रुपये में आई थी, 500-500 रुपये में आती तो आपके चंडीगढ़ में थप्पड़ नहीं पड़ते, आपके चंडीगढ़ में आपके ऊपर महिला सुरक्षा, महिला एक कर्मचारी होकर आपके ऊपर हाथ उठा देती है, तो वो दिन इस देश के भी दूर नहीं है, इस राजस्थान प्रदेश के भी दूर नहीं है जब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। यही हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंक के उनको चेताने का काम किया, उसी के विरोध में हम आज अगर हमारी मांगे यहाँ नहीं सुनी जाती तो हम विधानसभा का घेराव भी जल्दी करेंगे तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता और उनके विरोध मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, अच्छे रूल इस राजस्थान सरकार नहीं लेके आती है, तब तक हम लड़ेंगे। जय हिंद जय भारत। नीतू बराला जो कह रही थी कि अगर इनकी मांगे आगे नहीं सुनी जाती है तो विधानसभा का घेराव करने की इन्होंने चेतावनी दी है, और अभी आज जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन किया गया, और मेरे साथ मैं अभिषेक, मेरे साथ कैमरा पर्सन देवेंद्र जी। नमस्कार, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बीजेपी सरकार की और पर्ची सरकार के और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का पुतला दहन करके प्रदेश की सरकार को चेताने का काम किया है। प्रदेश के अंदर दिनों दिन महिलाओं पर जो अत्याचार और महिला के दुष्कर्म के जो मामलों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है उसको लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। प्रदेश की सरकार मोह ने प्रदेश की सरकार के कान के अंदर जू तक रेंगने का काम नहीं हो रहा है। प्रदेश के अंदर दिनों दिन महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और प्रदेश की सरकार कोई भी इकबाल नहीं कर रही है। प्रदेश की सरकार सत्ता के मोह के अंदर आराम से और सहन से सो रही है। इनको प्रदेश की जो जनता के हाल बेहाल हो रहे हैं और प्रदेश की जो महिलाओं की, छात्राओं की और बालिकाओं की जो अत्याचार और जो रेप के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं उसके अंदर प्रदेश की सरकार से हमारे को हमारी मांग है और मुख्यमंत्री मोदी जी से हमारी मांग है कि आप खुद इन मामलों के अंदर इंटरफेयर करके इन मामलों के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है उन पर प्रतिबंध लगाने का काम करें, नहीं तो ये प्रदेश की जनता और प्रदेश की छात्र शक्ति आपको बख्शेगी नहीं, और आप जिस सत्ता मोह के अंदर आप महलों के अंदर राज कर रहे हो ये आपको उपचुनाव के अंदर भी दिखा देगी, और जो अत्याचार और महिलाओं पर बलात्कार के मामले जो बढ़ रहे हैं उनको कम करने का प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द काम करे। जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब के आप आंकड़े उठा के देखिए, और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से आप आंकड़े उठा के देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है प्रदेश के अंदर तेजी से बलात्कार के मामलों में और रेप के मामलों के अंदर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कल जोधपुर के अंदर दिन दहाड़े 3 वर्षीय बालिका के साथ हॉस्पिटल के अंदर बेरहमी से इंसानियत और हैवानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, और इसी के साथ कल राजगढ़ के अंदर एक विधवा महिला के साथ जिस तरीके से बंधक बना करके दुष्कर्म का मामला सामने आया है वो भी बड़ा शर्मसार और बड़ा निंदनीय मामला है। प्रदेश की सरकार मौन है, प्रदेश की सरकार इन मामलों के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं करके प्रदेश की सरकार अपने सत्ता मोह के अंदर आराम से सो रही है और प्रदेश की जनता के, महिलाओं की, छात्राओं के, सबके हाल बेहाल है। देखिए, ये महिलाओं की सुरक्षा का मामला है और ये पूरे देश का मामला है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय की इकाई ने प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के आंदोलन चलाएंगे, और हमारी एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे, कानून की व्यवस्थाओं को सुधारे, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री की ही कमी है जिस वजह से लगातार घटनाएं बढ़ रही है और अपराधियों में भय लगातार कम होता है। आप देखिए, महिलाओं के उत्पीड़न में राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नाकामी बताता है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री को चेताने का काम इस प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, वो भी एक महिला हैं, और आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन इसलिए किया है कि महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से जोधपुर में 3 या 4 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घटना अस्पताल में घटी है, और केकड़ी जैसे क्षेत्र में, जो अजमेर का क्षेत्र है केकड़ी, उसमें एक महिला के ऊपर कैसे कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये कहाँ की बेटी बचाओ, कहाँ की बेटी पढ़ाओ,
मांग करते हैं या कहां महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमारे को तो लगता नहीं है कि अच्छे दिन आए हैं। इनकी एक एमपी जो पार्लियामेंट में अभी लोकसभा की सदस्य बन के आई है, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, वो स्टेटमेंट देती है कि भाई अब किसान आंदोलन हम लोगों ने किया था, कंगना रानाव जी वो कहती है कि किसान आंदोलन में तो 500-500 रुपए में महिला आ गई थी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ आपको तो नशेड़ी, आप तो एक नंबर की, आपको ये होश नहीं होता, 2014 में देश आजाद हुआ था, आपको ये होश नहीं होता कि महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन कैसी घटनाएं घट रही हैं। आप उनके लिए एक सेंटर की, केंद्र की सरकार से एक नीति या एक पॉलिसी या एक रूल की मांग नहीं कर सकती ताकि उनकी सुरक्षा हम लोग कर सके, तो आप कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। आप देश की सांसद हैं और वो बड़ी बड़ी डींग हाँकती हैं, वो बोलती हैं कि 500-500 रुपए में किसान आंदोलन में महिलाएं आ गई थी, उनके साथ रेप की घटनाएं घटी थी। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपको कितने में खरीद के लेके आई है जब आप ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं एक महिला होकर।